एक बहुत ही बढ़िया तरीका जिससे आप कच्चा आम स्टोर कर सकते हो और उसका साल भर मजा उठा सकते हो। जी हाँ, कच्चा आम बाइट्स, खाने में बहुत ही चटपटा और इजी टू मेक। तो चलिए बनाते हैं कच्चा आम बाइट्स। मैंने इसके लिए तोतापुरी आम लिया है, वो भी 500 ग्राम जितना एक बड़ा आम। ठीक है, तो भी इसे अब मैं पील कर लेती हूँ और इसके बारीक बारीक टुकड़े कर देती हूँ। फ्रेंड्स, आपसे एक निवेदन है कि यदि आप मेरी चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो देखिए, मैंने आम काट लिया है और उसमें मैंने 15 से 20 जितनी पुदीना की पत्तियां डाल दी। अब इसे हम अच्छे से स्मूथ पेस्ट में ग्राइंड करेंगे। उसके लिए हम डालेंगे उसमें आधा कप जितना पानी। और देखिए, हमारी बढ़िया सी पेस्ट तैयार है। दोस्तों, हम इसे छान लेते हैं। छानने से क्या होगा कि जितने भी बड़े टुकड़े हैं वो ऊपर रह जाएंगे और बहुत ही स्मूथ ऐसी पेस्ट हमें मिलेगी। ये बहुत ही इनोवेटिव और नई रेसिपी है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, हमारी प्यूरी हमने छान ली है और थोड़े छोटे छोटे टुकड़े ऊपर रह गए। चलिए, अभी हम एक कढ़ाई में एक चमची जितना घी डालेंगे और हमने जो पेस्ट सीव करी है वो पेस्ट को भी इसके अंदर हम डाल देंगे। अब जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने तोतापुरी आम लिया है, वो थोड़ा कम खट्टा होता है, तो मैं इसमें डालूंगी आधा कप जितनी शक्कर। अगर आप दूसरा आम ले रहे हो तो वो ज़्यादा खट्टा हो सकता है, तो आप वो हिसाब से शक्कर कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे हम कॉन्स्टेंटली चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे नहीं लगे। आप शक्कर के जगह गुड़ भी डाल सकते हैं। अभी हम बाकी के मसाले डाल देते हैं। एक चम्मच जितना मैंने डाला है इसमें जीरा पाउडर, आधी चम्मच मिर्च पाउडर, आधा चम्मच सेंधा नमक, और ये अच्छे से मिलाएंगे, हिलाते जाएंगे ताकि ये मसाले इसमें अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इसमें नमक भी डालेंगे, वो हमारे स्वाद अनुसार। आप एक बार इसे टेस्ट करके देख सकते हैं तो पता चलेगा कि कितना आपको नमक इसमें डालना है। इसे हम कॉन्स्टेंटली हिलाते जाएंगे जी, जब तक थिक ना हो जाए, गाढ़ा ना हो जाए, तब तक हम इसे कॉन्स्टेंटली हिलाएंगे। अब हम इसमें 2 बूंद जितना ग्रीन जेल कलर डालेंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसे स्किप कर सकते हो, पर रंग देने से डेफिनेटली ये रिफ्रेशिंग लगेगा और खाने में बहुत मज़ा आएगा। धीरे धीरे करके ये गाढ़ा हो रहा है, इसका टेक्स्चर चेंज हो रहा है, आप देख सकते हो। फिर भी हम 2-3 मिनट और इसे चलाते जाएंगे। देखिए, हम जो कंसिस्टेंसी चाहिए वो हमें मिल गई है। अब हम एक प्लेट को ग्रीस करके रखे हैं, इसके अंदर हम ये ट्रांसफ़र कर देंगे और बढ़िया सा टैप कर लेंगे। अब इसे हम 2 दिन के लिए सुखाएंगे फैन में। 2 दिन के बाद हम इसमें अच्छे से ऐसे कट्स देंगे, हमारे मन चाहे शेप हम इसमें दे सकते हैं। हमारी ये बाइट्स है तो इसलिए मैंने इसे छोटा शेप दिया है, छोटे छोटे स्क्वायर शेप के हमारे बाइट्स तैयार हो जाएंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत इजीली बन जाता है, इसमें कोई भी ऐसे एक्स्ट्रा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं ये चटपटा स्वाद बहुत बढ़िया लगता है इसका, झट बन जाता है और आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं, है ना न्यू रेसिपी। अब देखिए कितना ट्रांसपेरेंट, जैसे जेली खा रहे हैं वैसे लगेगा आपको, ये इफेक्ट सेम टू सेम वैसे ही आने वाला है। आप इसको और एक ऐसा कर सकते हो, जैसे आप ये पूरी बाइट्स निकालिए, इसके बाद में थोड़ा सा शुगर कोट कर दो तो उसमें मज़ा दुगना हो जाएगा इस तरह से। आशा है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।